एंटी करप्शन के एहलकारों ने मुबैना तौर पर ट्रैफिक वार्डन्स को अगवा कर लिया। ठोकर के करीब वार्डन जावेद और आसिफ ने शहरी हसन को रोका, जराए की जानिब से ऐसा बताया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस खबर की। आबिद चौधरी बताइएगा क्या मामला है ये और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस बारे में? जी, इस पर कोई कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन पुलिस राय के सोले से कहना है कि ताकत के नशे में चूर एंटी करप्शन के अहलकारों ने ट्रैफिक वार्डन को अगवा कर लिया है। ठोकर के करीब वार्डन जावेद और आसिफ ने हसन नामी एक शहरी है जिसको रुका ड्राइविंग लाइसेंस न आने पर वार्डन ने हसन से शनाख्ती कार्ड मांगा और लाइसेंस बनवाने का कहा, जिस पर हसन एक फोन कॉल की और तीन सरकारी डाले मौका पर पहुंचे, जिन पर सवार अहलकार वार्डन को ठोकर से अगवा करके ले गए। बताया जा रहा है कि लीड्स में एंटी करप्शन के अहलकारों ने दो घंटे तक वार्डन को अबसे भी जाम रखा और सीडीओ और डायरेक्टर एंटी करप्शन ए रीजन की मुदाखलत पर एहलकार वार्डन को फेंक कर फरार हो गए। जरा के सोले से कहना है कि एहलकार जीएजी 1225, जीए 847 और जीएजी 25 पर सवार थे और अगवाकारों में लीड फोर्स दो एहलकारों की शनाख्त शाहिद इकबाल और अबू बकर के नाम से हुई। बताए सोले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से आईजी पंजाब को वाकई के बारे में आगाह कर दिया गया है। आबिद चौधरी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।